सक्सेस बन के जिंदगी गुजारनी चाहिए या फेल होके जिंदगी गुजारनी चाहिए? नहीं, हमें सक्सेस बन के जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर एक बार फेल हो गए तो फिर दोबारा ट्राई करना चाहिए। फिर फेल हो गए तो फिर करना चाहिए। फिर फेल हो गए तो फिर आप वो काम भी, जैसे कि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही हाल है। वो काम भी आपसे परेशान हो जाएगा, ये इंसान कैसा है, बार बार कोशिश कर रहा है, मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। वो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इट्स वेरी स्पेशल टाइम दैट आई एम शेयरिंग दिस मोमेंट विद अ ग्रेट लेडी इन माय लाइफ, अ ग्रेट लेडी फॉर माय फैमिली एंड एज वेल एज यू नो इन दिस सोसाइटी। सो इट्स वेरी स्पेशल मीटिंग, क्योंकि आज मैं एक ऐसी लड़की के साथ बैठा हूँ जो बहुत अपनी राय रखती हैं, थॉट्स रखती हैं, सोच रखती हैं, और नाम है सदफ। और नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता दूँ। बहरहाल सदर, आपका बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। जी सर, थैंक यू। आज आपके साथ मैं इसलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक यंग हैं, मैं भी एक यंग हूँ, ज़्यादातर वीडियो देखने वाले यंग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक मैसेज जाए, मोटिवेशन जाए, जैसा कि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ। सबसे पहले एक हमारे पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे जहान में एक बीमारी चल रही, एक वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, आप तो सुनी होंगी सब लोग। तो कोरोना वायरस को लेके काफ़ी मन में हमारे सवाल पैदा हो रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या मैसेज है? जैसे कि मैं इस पर बताना चाह रही हूँ कि कोरोना वायरस जो है, कुछ है भी और कुछ इस तरह के वो भी है, अफवाह लाइक ये नेट पे जो चल रही है, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा मतलब इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये कोरोना वायरस तो लाइफ पूरी ख़त्म कर दिया है, अब होगा क्या, यहीं से लाइफ स्टॉप हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी लाइफ को क्यों स्टॉप कर रहे हैं? कोई कह रहा है मैं पढ़ूंगा नहीं, कोई कह रहा है चलो अब तो टोटली आराम हो गया है, अब तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये गलत है। कोरोना वायरस इतनी छोटी बीमारी दे कि हम अपनी लाइफ को अगर ख़त्म कर दें तो फिर हम करेंगे क्या? लेकिन ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया इससे परेशान है, दुनिया कह रही है बहुत बड़ा वायरस है, बीमारी है बहुत बड़ी, और ये दिक्कतें पैदा कर रहा है, लगभग 800,000 केस होने वाला है अपने भारत में, इंडिया में। यार तो ठीक है, सरकार ने कहा घर में रहिए, तो घर में रह के कुछ नहीं किया जा सकता क्या? घर में रह के क्या, जैसे हमारे स्टूडेंट्स की, यंग जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनकी ये सोच है कि हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज खुलेगा, कोचिंग खुलेगी, इंस्टीट्यूट्स खुलेगा, तब हम पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे कुछ, तो इसके बारे में। लेकिन ये जान लीजिए, अगर पूरे स्टूडेंट जो हैं वो पूरा क्रेडिट टीचर को दे रहे हैं तो ये गलत है। वो जाते थे, समझ लीजिए कि हमारे जो टीचर होते थे हैं, सवाल चलो मैथ समझा रहे हैं, उसमें एक सवाल बताएंगे आपको, 10 क्या बोलेंगे बेटा ये आप लोग घर से करके लाइएगा, 10 तो हमें दे दिए हैं, तो हम उस एक सवाल के लिए क्यों अपनी पूरी पढ़ाई स्टॉप करके, अपना पूरा सवाल क्यों बंद करके रखें? वो तो 10 हम करें, बाकी फिर स्कूल खुलेगा, फिर हम वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हमें उन 10 सवालों को करना चाहिए जो टीचर हमें दे देते हैं घर पे करने के लिए, तो आज हम घर पे बैठ के भी उन 10 सवालों को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छी सीख दी, मेरे लिए भी एक अच्छी सीख, मैं भी मेहनत करूँगा। तो आप ये बताइए कि एक तरह से हम अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, थॉट का, क्योंकि कहते हैं लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रोसेस होता है थॉट का, सोच का, सोच को कैसे हम बड़ा करें, कैसे अच्छा करें? कहते हैं छोटी सोच पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती, सोच को कैसे बड़ा करें? सोच इस वजह से बड़ी होगी, पहले तो हमें जगह जगह जाना चाहिए, हर जगह से हमें वो चीज़ें मतलब एग्जॉर्ब करनी चाहिए, नए नए आइडियाज़ लेने चाहिए, फिर उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। और ज़्यादातर जैसे कि हम नई नई जगह पे जाते हैं, नए नए कॉलेज में जाते हैं, कहीं पे ये सब जगह पे हमें क्या मिलता है, अच्छी अच्छी थॉट्स मिलती है, ऑब्जर्वेशंस मिलता है, ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो इससे पता चलता है कि तब फिर हम उसके बारे में सोचें समझें, यही तो है थॉट्स। लेकिन सबसे बड़ी थॉट हमारे माइंड में है कि हम कोई भी चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाए, कहीं ये बहुत बड़ा रिस्क ना हो जाए, बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए, बहुत बड़ा फेलियर ना हो जाए, चूक ना जाऊँ, ऐसा थॉट क्यों आता है? और यही थॉट हमें जान से मार देता है। ये भी सही है आपकी बात,
देखिए, आप अगर छोटा काम स्टार्ट करेंगे तब भी आप सोचेंगे कहीं ये गलत ना हो जाए, अगर आप बड़ा करेंगे तब भी, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ जैसे कि कहते हैं ना कि नाव है वो क्या स्टॉप रहने के लिए नहीं बनी है, एक जगह रहने के लिए नहीं बनी है, वैसे ही हम लोग इंसान जो हैं वो क्या एक जगह स्थित रहने के लिए बने हैं? नहीं, उसकी जर्नी हमेशा चालू रहनी चाहिए। इसलिए जैसे कि तो आप यही जर्नी हमेशा चलनी चाहिए, तो इसलिए इंसान को भी रुकना ही नहीं चाहिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, एक बार वो स्टार्ट कर ले बाद में पता चलेगा ना बेटर है या बेस्ट है, पहले ही से हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो फिर करेंगे क्या? लेकिन मान लीजिए हमने स्टार्ट कर दिया कुछ, हमारा सपना कुछ और है, मान लीजिए हमारा सपना है एक डॉक्टर बनने का, और हमें कोई कह रहा है इंजीनियर बन जाओ, या हम डॉक्टर बन नहीं पा रहे बहुत कोशिश करने के बाद, बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो क्या हमें उतनी टाइम अपने सपने को अपने ख्वाब को बदल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिशन को देखे थे कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन आज ये हम लोग लाइटिंग में बैठे हुए हैं, आजकल देखिए पार्टी जितनी वो सब लाइट के ऊपर है, सब लोग कर रहे हैं, सब कुछ इंजॉय हो रहा है लाइट के द्वारा, क्यों? वो बहुत बार फेल हुए, उनसे ले लीजिए वो। अगर हम लाइफ को स्टॉप कर दें, फेल हो गए तो इसका क्या मतलब, दोबारा ट्राई करें, फिर अगेन एंड अगेन ट्राई करें, कभी ना कभी तो हम सक्सेस पाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि चलो भाई हम अपना यही जो हमारा गोल है उसको ही खत्म कर दें, मतलब ख्वाब को बदलना नहीं है, तरीके को बदल के हम उसी मंजिल को हमें पाना चाहिए जो हमारा दिल करता है, जो दिल करता है। तो क्या आपका एक मैसेज है कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे दिल को भाता है, जो हमें खुद प्यार होता है जिस काम से? जो हमारा मन करे, जिसमें हमारा दिल लगे वही काम करना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती कहता है ये बेटा ये करो, आप दो बार तीन बार नहीं, जबरदस्ती करोगे वो काम खराब हो जाएगा। तो आपका मोटिवेशन है कि लव व्हाट यू डू, उसी काम को करो जिससे आपको प्यार हो। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सक्सेस डज नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन एंड फेलियर हैज नो एक्सप्लेनेशन। सक्सेस को, सफलता को कोई एक्सप्लेनेशन किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, और जब फेल हो जाते हो तो कुछ बताने के लिए रहता ही नहीं। तो इस पे आपका क्या है, क्या हमें सक्सेस बन के जिंदगी गुजारनी चाहिए या फेल हो के जिंदगी गुजारनी चाहिए? नहीं, हमें सक्सेस बन के जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर एक बार फेल हो गए तो फिर दोबारा ट्राई करना चाहिए, फिर फेल हो गए तो फिर करना चाहिए, फिर फेल हो गए तो फिर अब वो काम भी, जैसे कि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही हाल है, वो काम भी आपसे परेशान हो जाएगा, ये इंसान कैसा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए स्टूडियो में, और आपके साथ इंटरव्यू मैंने किया, बहुत ही अच्छा लगा। आपकी थॉट्स मुझे बड़ी पसंद आती है, क्यों आप इस तरह से बातें बताती है तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये थी सदफ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और आपके लिए भी मोटिवेशन हो सकती हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम फिर मिलेंगे इनके साथ कुछ अच्छी बातों को लेकर इसी स्टूडियो हॉल में। थैंक यू सो मच।